हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी और पार्ट 9 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 10। जैसा कि आपको बताया था, जो मेन टॉपिक है मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, उसके सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और अब तक हम लोग 11 में से टोटल 10 मेथड्स को पढ़ चुके हैं। और लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था फील्ड स्टडी मेथड और मेटा एनालिसिस, क्योंकि दोनों थोड़े थोड़े से टॉपिक्स थे, इसलिए मैंने कहा था कि दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। अब आज इस टॉपिक का जो लास्ट सब टॉपिक है, जिसका नाम है सहसंबंधात्मक विधि या कोरिलेशनल मेथड, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कोरिलेशनल मेथड, सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड जानते हैं कि आखिर ये क्यों यूज़ किया जाता है या इसका इमर्जेंस क्यों हुआ। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कभी कभी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिनमें जो है हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कर सकते हैं या पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, ऐसी कौन सी हैं, जैसे क्या तनाव से बीमारी होती है, यानी कि स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, आपने सुना है। तो क्या ये बात सच है कि स्ट्रेस की वजह से ही सारी बीमारियाँ होती हैं, या फिर क्या धूम्रपान से कैंसर होता है, यानी सिगरेट पीने से कैंसर होता है, या फिर क्या मैरिजुआना के सेवन से शैक्षिक निष्पादन कम हो जाता है। मैरिजुआना एक ड्रग्स है, ठीक है, तो इससे जो है एजुकेशनल परफॉर्मेंस कम हो जाता है या बढ़ जाता है, जो भी कुछ है। तो ऐसे कुछ ऐसे ही बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं रियल लाइफ में, जिसका जो जिस पर जो है शोध करना प्रयोगात्मक शोध विधि का के बस की बात नहीं है। तो इसमें क्या है कि केवल एक ही मेथड काम आता है, जिसे हम लोग सहसंबंधात्मक विधि कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें तो प्रयोगात्मक विधि से इस ये प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के द्वारा हम ये क्यों नहीं पता लगा सकते हैं कि क्या तनाव से बीमारी होती है, क्या धूम्रपान से कैंसर होता है, या मैरिजुआना के सेवन से एजुकेशनल परफॉर्मेंस कम हो जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है रैंडम असाइनमेंट करते हैं, यानी सैंपल्स जो सेलेक्ट करते हैं रैंडमली या यादृच्छिक आवंटन करते हैं। रैंडमली आवंटन में होता क्या है, इक्वल चांस ऑफ सेलेक्शन एंड रिजेक्शन, यानी कि सभी जो सैंपल्स हैं उनके चुने जाने की और ना चुने जाने की प्रायिकता जो होती है बराबर बराबर होती है। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई सैंपल ऐसा है जो कि इस स्टडी में जो मैरिजुआना की स्टडी है कि मैरिजुआना के सेवन से शैक्षिक निष्पादन में कम हो जाता है, इसमें मान लीजिए कोई पार्टिसिपेंट खुद या फिर उसके पेरेंट्स नहीं चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है इसमें भाग ले, ठीक है। तो अब इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि भाई ड्रग्स का सेवन करना हमारे समाज में क्या होता है, अनैतिक माना जाता है, इस वजह से बेइज्जती के डर से या जो भी सोसाइटी में जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो उनका, उसकी वजह से ये परमिशन नहीं देते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उसमें क्या होता है, सैंपल्स का रैंडम असाइनमेंट होता है। अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के द्वारा ही ये काम करेंगे तो ये अनएथिकल माना जाएगा, क्योंकि रैंडम असाइनमेंट में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, किसी को भी इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन एंड रिजेक्शन का मौका दिया जाता है। मान लीजिए जो सैंपल नहीं चाहता है इस स्टडी में इन्वॉल्व होना, वो भी ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये एक अनएथिकल पॉइंट हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस पूरी लाइन में यही लिखा है कि मान लीजिए कि मैरिजुआना के सेवन से शैक्षिक उपलब्धि में कमी आती है, तो कोई रिसर्चर क्या करेगा, छात्रों के ऐसे एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में यादृच्छिक रूप से आवंटित करेगा जो अनैतिक और गैरकानूनी होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, उसे अधिक मैरिजुआना का सेवन करना होगा सैंपल्स को, और कोई भी स्कूल या कॉलेज के प्रधानाध्यापक के लिए माता पिता से यह कहना कि आपके बेटे या बेटियों का चयन वैज्ञानिक ज्ञान को मजबूत करने के लिए कैसे समूह के लिए किया गया है जो अब से 3 वर्षों तक मैरिजुआना का लगातार सेवन करेगा, यह क्या है, ये एक अनुचित और गैरकानूनी या अनैतिक कदम होगा और ऐसा कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है, केवल वैज्ञानिक ज्ञान के स्तर को बढ़ाना है। तो ऐसा कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा जो है मैरिजुआना या ड्रग्स का सेवन करे और उस पे उसके शैक्षिक निष्पादन का अध्ययन किया जाए। अब हम बात करते हैं मेन डेफिनेशन की, तो क्या है, देखिए, जब नैतिक कारणों से चरों के बीच यानी वेरिएबल्स के बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कायम नहीं किया जा सकता है तो सहसंबंधात्मक विधि से इसका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है पेपर में कि वेन वी यूज कोरिलेशनल मेथड यानी सहसंबंधात्मक विधि
का उपयोग कब किया जाता है? तो सहसंबंधात्मक विधि का उपयोग उस स्थिति में करते हैं जब नैतिक कारणों से, यानी कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो मोरालिटी है सोसाइटी की, उसके हिसाब उसके कारणों से, यानी कि उसके कारण से चरों के यानी वेरिएबल्स के बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो हम इस जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कैसे इस्टेब्लिश करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सहसंबंधात्मक विधि, यानी कि कोरिलेशनल मेथड के द्वारा हम फिर दो या दो से अधिक चरों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए आगे, इस विधि में शोधकर्ता दो घटनाओं, चरों या व्यवहारों के बीच सहसंबंध ज्ञात करता है। ठीक है, अध्ययन करने के लिए प्रयोजकों का एक समूह का चयन किया जाता है और प्रत्येक प्रयोजक का मापन अभिरुचि वाले चरों पर किया जाता है। यानी कि इसमें होता क्या है, इसको स्टडी करने के लिए जो सैंपल्स हैं उनका एक समूह का चयन कर लिया जाता है और प्रत्येक जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो मेजरमेंट है एंट्रेंस के जो वेरिएबल्स हैं उस पर किया जाता है और जो भी स्कोर मिलता है उसे विशेष प्रकार के स्टैटिस्टिकल फार्मूले या सांख्यिकीय सूत्र द्वारा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब मूल्य की बात करें, देखिए क्या है मूल्य, यानी स्टैटिस्टिकल वैल्यू क्या होता है, जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू स्टडी करने के बाद हमें मिलती है उसे कोरिलेशनल कोफिशियंट कहते हैं या सहसंबंध गुणांक कहते हैं। अब सहसंबंध गुणांक की देखिए एक आंकिक मूल्य या न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो दो चरों के बीच सहसंबंध की मात्रा तथा दिशा को बतलाता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सहसंबंधात्मक गुणांक या सहसंबंध गुणांक होता है वो उसका काम क्या है, तो उसका काम क्या है, क्या काम है, दो चरों के बीच यह कोरिलेशन की डिग्री बताता है तथा डायरेक्शन दोनों को बताता है। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो कोरिलेशन कोफिशियंट है या जो कोरिलेशन कोफिशियंट है उसकी रेंज क्या होती है, तो उसकी रेंज होती है -1 से लेकर के +1 तक। तो इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच में 0 नंबर लाइन पर है। तो -1 से लेकर के +1 तक जो है इसकी रेंज होती है किसकी, कोरिलेशन मेथड की या कोरिलेशन कोफिशियंट की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, +1 का मतलब जिससे एक संपूर्ण धनात्मक सहसंबंध के नाम से जाना जाता है, या कहीं +1 वैल्यू आ रही तो इसे हम कहेंगे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। 0 आ रही है तो कोई भी संबंध नहीं है चरों के बीच में, और -1 आ रहा है तो पूर्ण रूप से ऋणात्मक सहसंबंध है चरों के बीच में। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे कि धनात्मक ऋणात्मक और 0 सहसंबंध क्या होता है। अब देखिए सहसंबंध का चिन्ह बताता क्या है, सहसंबंध के चिन्ह से यह पता चलता है कि दो चर एक ही दिशा में या उसके विपरीत दिशा में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, यानी ये डायरेक्शन बताता है वेरिएबल्स की। अब धनात्मक सहसंबंध होता क्या है, धनात्मक सहसंबंध वह होता है कि जब दो चर एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं तो उसे हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 दोनों जो हैं एक ही दिशा में परिवर्तित हो रहे हैं, चाहे वो बढ़ रहे हों चाहे वो घट रहे हों, यानी कि दिशा दोनों की सेम है। तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो देखिए तनाव या स्ट्रेस तथा बीमारी के बीच एक साधारण परंतु धनात्मक सहसंबंध है। भाई जैसा कि कहा जाता है स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, यानी कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस लेते जाएंगे वैसे वैसे आपकी बीमारी का खतरा भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, या फिर जितना कम आप स्ट्रेस लेंगे उतना ही आपको बीमारी होने के चांसेस कम होंगी। तो देखिए स्ट्रेस और डिसीज़ दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है तो डिसीज़ होने की संभावना भी बढ़ रही है, स्ट्रेस घट रहा है तो डिजीज़ होने की संभावना भी घट रही है, दोनों एक ही दिशा में बदल रहे हैं, या तो दोनों ऊपर जा रहे हैं दोनों वेरिएबल या फिर दोनों वेरिएबल एक साथ नीचे आ रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध। अब देखिए आगे क्या है, ये था धनात्मक सहसंबंध, अब हम ऋणात्मक सहसंबंध की बात करें। तो नकारात्मक सहसंबंध क्या बतलाता है कि एक चर में वृद्धि होने से दूसरे चर में कमी होती जाती है। अब इसका क्या है, देखिए जैसे सिगरेट पीने तथा जीवन अवधि में नकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है, यानी कि जितना ही अधिक संख्या में व्यक्ति सिगरेट पीता है उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होती है। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ऋणात्मक सहसंबंध की कि एक वेरिएबल के घटने पर दूसरा वेरिएबल बढ़ता है या दूसरे के बढ़ने पर पहला वेरिएबल घटता है। जैसे मान लीजिए सिगरेट पीने से
हाँ माफ़ कीजिए, सिगरेट ज़्यादा सिगरेट पीने से मोर है ना, ज़्यादा सिगरेट पीने से जो है लाइफ स्पेन है LS यानी जीवन अवधि है कम होती है, और जितना ज़्यादा आप सिगरेट की मात्रा कम कर देंगे अपनी लाइफ में उतना ही लाइफ स्पेन बढ़ जाएगा यानी आपकी जीवन आयु बढ़ जाएगी। तो ये निगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है, यानी एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, यानी कि सिगरेट पीने की मात्रा आप घटाएंगे तो लाइफ स्पेन आपका बढ़ता चला जाएगा, या फिर सिगरेट पीने की मात्रा आप बढ़ाएंगे तो लाइफ स्पेन या जीवन अवधि है आपकी कम होती जाएगी। ये है आपका ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सहसंबंध विधि का प्रयोग हम लोग करते क्यों हैं। तो सहसंबंध विधि का जो सबसे उत्तम उपयोग है प्रेडिक्शन में होता है, यानी पूर्व कथन में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा कि सहसंबंध विधि या कोरिलेशन मेथड का उपयोग, सबसे उत्तम उपयोग हम लोग प्रेडिक्शन में करते हैं यानी पूर्व कथन में करते हैं। यानी जब दो चरों के बीच मजबूत सहसंबंध होता है तो पूर्व कथन उत्तम होता है, भाई जाहिर सी बात है। जितना +1 की तरफ होगा मजबूत सहसंबंध या -1 जो भी कह लीजिए, उतना ही संबंध क्या होगा परफेक्ट होता है तथा पूर्णतः सही सही पूर्व कथन करना संभव हो पाता है। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैंने जैसा कि बताया था कि इसकी जो रेंज होती है +1 से लेकर के -1 तक होती है। तो अगर साइन निगेटिव का लगा है और निगेटिव का नंबर बड़ा है तो भी वह पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध माना जाएगा, और पॉजिटिव पॉइंट माफ़ कीजिएगा तो भी वह परफेक्ट रिलेशनशिप माना जाएगा, सहसंबंध माना जाएगा। अगर ऋणात्मक साइन लगा है और धनात्मक लगा है तो भी परफेक्ट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिग्री। ठीक है, आगे देखिए क्या है। यह जैसे सिगरेट पीने तथा फेफड़े के कैंसर के बीच सहसंबंध होता है क्या, कि यह पूर्व कथन किया जा सकता है कि धूम्रपान न करने वालों के समूह में फेफड़े के कैंसर की संभावना उस समूह की तुलना में कम होगी जिसमें धूम्रपान करने वाले लोग होंगे। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ हम बात करते हैं, देखिए कोरिलेशन जो होता है, कोरिलेशन या जो सहसंबंध होता है ये अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में यानी अनियंत्रित परिस्थितियों में कभी भी, अनियंत्रित परिस्थितियों में कभी भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता है, कभी भी कार्य कारण संबंध नहीं बताता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताते थे बहुत नहीं बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोरिलेशन अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में कभी भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें, देखिए इसका प्रमुख लाभ क्या है, प्रमुख लाभ यही है कि प्रेडिक्शन करने में, पूर्व कथन करने में इसका उपयोग होता है। अब इसके कुछ जो अवगुण हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, सहसंबंध विधि में चरों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसके बीच कारण परिणाम की व्याख्या नहीं की जाती है, यानी कि दो चरों के बीच में केवल क्या रिलेशनशिप है ये बताता है, कौन आपका कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन टेल्स ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अतः सहसंबंध कारण के तुल्य नहीं होता, अतः जो आपका कोरिलेशन है, कोरिलेशन डज नॉट इक्वल टू कॉजेशन, कोरिलेशन जो है कारण नहीं बताता है केवल संबंध बताता है, यानी चरों के बीच कारण परिणाम की व्याख्या मात्र प्रयोगात्मक शोध के ही आधार पर किया जा सकता है। अब ये पूछा जा सकता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू। ठीक है, आगे देखिए क्या है, जब तनाव तथा बीमारी आपस में सहसंबंधित है तो इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि तनाव से बीमारी होती है या तनाव बीमारी का कारण है। केवल देखिए कोरिलेशन केवल क्या बताता है कि तनाव तथा बीमारी के बीच में कुछ सहसंबंध है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि बताता है कि इसके पीछे यही कारण है, यानी तनाव ही बीमारी का कारण है, ये नहीं बताता। ठीक, अब आगे देखिए दूसरा क्या है, दूसरा दोष है इसका, सहसंबंध विधि एक नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसमें स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करना संभव नहीं हो पाता है। भाई देखिए जो कोरिलेशन मेथड है इसे याद रखिए, ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यह है यहाँ पर यह है। और दूसरी चीज़, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन रिसर्चर नहीं कर पाता है। ठीक है, या संभव नहीं हो पाता है। अब जब देखिए बार बार ये लाइन आती है कि जब वेरिएबल्स में या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन ही नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक कोई भी मेथड हो उसकी वैलिडिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर इस केस में क्या होता है, कोरिलेशन मेथड में इसकी आंतरिक वैधता या इंटरनल वैलिडिटी
कमी होती है या कम हो जाती है। अब सहसंबंध में देखिए, बाह्य वैधता एक्सटर्नल वैलिडिटी भी इसमें नहीं होती है, क्योंकि इससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसका सामान्यीकरण बहुत विश्वास के साथ नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें दोनों चीज़ें नहीं होती, इंटरनल वैलिडिटी भी नाम मात्र की होती है और एक्सटर्नल वैलिडिटी भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके जो परिणाम, जो रिजल्ट या जो आउटकम हमें मिलते हैं उसका जनरलाइजेशन एकदम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं किया जा सकता है, ये कारण है। अब हम बात करें सहसंबंध के प्रकार क्या हैं। तो देखिए सहसंबंध के प्रकार मुख्यतः जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने दो भागों में बांटा है, एक क्वालिटेटिव कोरिलेशन यानी गुणात्मक सहसंबंध और दूसरा क्वांटिटेटिव यानी परिमाणात्मक सहसंबंध। अब क्वालिटेटिव कोरिलेशन देखिए क्या है, जब दो चरों या दो परीक्षणों पर के प्राप्तांकों में सहसंबंध किसी खास गुण जैसे सीधी रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे गुणात्मक सहसंबंध की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। यानी क्वालिटेटिव कोरिलेशन क्या है, जब दो वेरिएबल्स के बीच के जो प्राप्तांक है स्कोर्स हैं उनको हम किसी खास गुण यानी सीधी या टेढ़ी रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं। अभी मैं आगे दिखाता हूँ, फिगर मैंने इसको इसमें शामिल कर रखा है, तो उसे हम लोग गुणात्मक सहसंबंध कहते हैं। ये भी देखिए दो प्रकार का होता है, एक लीनियर कोरिलेशन, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है तो लीनियर कोरिलेशन हो गया एक, यानी रेखीय सहसंबंध। देखिए जब दो चरों या परीक्षणों पर प्राप्तांकों के सहसंबंध को एक सीधी रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है तो वह रेखीय कहलाता है, ठीक। जैसे व्यक्तियों की ऊंचाई तथा भार के बीच के सहसंबंध को एक सीधी रेखा द्वारा दिखलाया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइट हो गई और यहाँ वेट हो गया, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आदमी का वेट भी बढ़ता चला जाता है, मोस्टली ऐसा होता है, ना कि 100%, ठीक है। आगे अगर हम बात करें जो नेक्स्ट टाइप है इसका, कर्वी लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, जब दो चरों या दो परीक्षणों पर के प्राप्तांकों के बीच सहसंबंध को एक सीधी रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त न करके टेढ़ी मेढ़ी रेखा या वक्र द्वारा या कर्व द्वारा व्यक्त किया जाता है तो यह सहसंबंध जो है वक्र रेखीय या अरेखीय कहलाता है। यानी सिंपल सा जो है कि हम किसी भी सहसंबंध को लीनियर ना शो करके कर्वी लीनियर शो करें तो ये हमारा कर्वी लीनियर या वक्र रेखीय सहसंबंध हो जाएगा। सेकंड पार्ट है आपका परिमाणात्मक सहसंबंध क्या होता है या क्वालिटेटिव कोरिलेशन क्या होता है। तो देखो ये इसमें क्या है, जब दो चरों या परीक्षणों पर के प्राप्तांकों का सहसंबंध रेखा द्वारा अभिव्यक्त न करके संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे परिमाणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। अब देखिए जहाँ पर ग्राफ की बजाय हम नंबर असाइन कर देते हैं, यानी डेटा में जो नंबर प्रोवाइड कर देते हैं तो वहाँ पर क्वालिटेटिव की जगह क्वांटिटेटिव आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्वांटिटेटिव होगा यानी परिमाणात्मक या संख्यात्मक। अब देखिए जो क्वांटिटेटिव कोरिलेशन है वो तीन टाइप का होता है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा जीरो कोरिलेशन। तो इसको मैंने डिस्कस कर ही लिया अभी शुरुआत में ही। जैसे धनात्मक सहसंबंध का उदाहरण देखिए, व्यक्ति की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसकी परिपक्वता में वृद्धि होना, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मैच्योरिटी लेवल भी इंसान का बढ़ता चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों जो वेरिएबल्स हैं उसमें एज तथा मैच्योरिटी में एक ही तरह के परिवर्तन हो रहा है, अतः ऐसा सहसंबंध धनात्मक कहलाएगा। अब ऋणात्मक की बात करें तो अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे किसी वस्तु का मूल्य तथा पूर्ति सप्लाई का संबंध, जैसे मान लीजिए वैल्यू है प्राइस, जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो डिमांड है घटती चली जाती है या उसकी पूर्ति जो है डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। यानी कि जब पूर्ति बहुत कम होगी तो मूल्य में वृद्धि होगी, उसी तरह के से थकान एवं सीखने की मात्रा का संबंध प्रायः ऋणात्मक ही होता है। जैसे नेगेटिव कोरिलेशन का एक और एग्जांपल बहुत अच्छा है कि जैसे जैसे फटीग बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे जो है हमारी सीखने की या जो लर्निंग की मात्रा है क्वांटिटी है कमतर होती जाती है, कम होने लगती है। अब आप ही देखिए, जैसे शुरुआत में नहा धो के जब आप रोज़ सुबह पढ़ने बैठते हैं तो 30 मिनट हो सकता है या 45 मिनट काफ़ी अच्छे से मन लगा के पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे 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 समय बढ़ता जाता है, एक घंटा होता है, डेढ़ घंटा होता है, वैसे वैसे आप उबने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, यानी कि व्यक्ति में जैसे जैसे थकान बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे सीखने की मात्रा कम होती चली जाती है। ये एक विपरीत सहसंबंध बताता है जिसे हम लोग निगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या ऋणात्मक सहसंबंध दो चरों के बीच संबंध की अनुपस्थिति दिखलाता है, यानी इस पुस्तक का उत्तर होगा नकारात्मक, नहीं दिखलाता, ठीक है।
दूसरे शब्दों में क्या है, ऋणात्मक सहसंबंध यह बतलाता है कि जब एक चर में वृद्धि होती है तो दूसरे चर के प्राप्तांकों में ठीक इसके विपरीत कमी होती है। ठीक है, शून्य सहसंबंध में देखिए क्या है, दो चरों के बीच किसी प्रकार का कंसिस्टेंट रिलेशनशिप का पता नहीं चलता है, इसकी अभिव्यक्ति जीरो से की जाती है, यानी कि जब दो चरों के बीच में कोई भी सहसंबंध नहीं शो होता है तो उसे जीरो कोरिलेशन हम लोग कहते हैं, यानी कि नो कोरिलेशन। अब कोरिलेशन को यहाँ फिगर के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। देखिए कोरिलेशन कोफिशियंट क्या होता है, मेजर ऑफ द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ कोरिलेशन, यानी कि किसी भी दो चरों के बीच के डायरेक्शन का पता लगाना और उनके बीच कितने डिग्री का सहसंबंध है इसका पता लगाना कोरिलेशन कोफिशियंट का काम है। ठीक है, यानी सहसंबंध गुणांक का रेंज मैंने आपको बताई थी, -1 होगी तो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन होगा, +1 अगर कहीं लिखा है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और 0 कहीं लिखा है तो कोई भी कोरिलेशन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें, जैसा कि मैंने बताया दिस शोज दैट एज वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर इंक्रीज, यानी एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। नेगेटिव कोरिलेशन यानी एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और नो कोरिलेशन यानी कोई भी पैटर्न यहाँ पर नहीं बनता दिखेगा। तो ये था कोरिलेशनल मेथड क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, उसकी वो कमी क्या है। अब हम कोरिलेशन मेथड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, इसको बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते रहेंगे। अब देखिए सहसंबंध ज्ञात करने की कई विधियां हैं, सबसे पहला प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या मेथड, रैंक डिफरेंस मेथड दूसरा है, तीसरा है कोफिशियंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस यानी संगति गुणांक, चौथा है द्विपांक्तिक सहसंबंध या बाइसीरियल कोरिलेशन, पांचवा है पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन, छठा है टेट्रापोरिक कोरिलेशन, सातवां है फाई कोफिशियंट, आठवां है कोफिशियंट ऑफ कंटिजेंसी या कंटिजेंसी कोफिशियंट, नवा है आंशिक पार्शियल कोरिलेशन, दसवां है कोरिलेशन रेशियो, ग्यारहवां है मल्टीपल कोरिलेशन। तो ये है कोरिलेशन मेथड्स के टाइप्स, इसको हम लोग जब प्रैक्टिकल मेथड पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो आशा करता हूँ आज सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट पेपर टू एजुकेशन साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं, चाहे वो PhD चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब से रिलेटेड हो या फिर PhD नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।